Hey everyone, welcome to Spelby. Let's talk about Ranbir Kapoor's recent interview, जिसमें एक deep discussion ना देखने मिला, जहाँ पे revealed उसने अपने dad को ना चिल्लाते हुए बचपन में देखा था। इस वजह से उसे आलिया भट्ट की जो loud tone होती थी ना, वो bother करती। अभी ये बात छुपी नहीं है that ऋषि कपूर को जल्दी गुस्सा आ जाता था, वो irritate हो जाते थे अगर चीजें उनके according नहीं होती तो। कई media interactions में ऐसा देखने मिला है, जहाँ पे normal questions पे भी वो भड़क जाते। जैसे अभी जया जी करती है ना, सिमिलर वही पैटर्न था। रणबीर इज एक्चुअली नॉट लाइंग अबाउट दिस कि उसे ये चीज बॉदर करती। एक मीडिया इंटरेक्शन था जहाँ पे रणबीर अपने फादर के साथ थे एंड सडनली ऋषि जी गॉट एंग्री। उस मोमेंट पे रणबीर के लिए ये चीज ऑकवर्ड हो गई एंड वो उस एरिया से ना दूर जाके खड़ा हो गया। तो दिस हैपेंस, अगर अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को झगड़ते हुए किसने देखा है या चिल्लाते हुए देखा है एंड ये चीज को उनके घर में नॉर्मलाइज किया गया था, देन एट टाइम्स बड़े होने के बाद ना जब रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें हेल्दी नहीं है, देन कोई अगर सामने वाला आपका पार्टनर ऐसे एक्ट करता है तो वो मोमेंट पे ना आप ट्रिगर हो जाते हो या आपको इन अवे ना फ्लैशबैक्स आते हैं या अफेक्ट करता है वो चीजें। एक इंटरव्यू था आलिया का जहाँ पे उसने बताया था कि रणबीर को बिल्कुल नहीं पसंद अगर उसका जो टोन है ना वो पर्टिकुलर डेसिबल के ऊपर चले जाए। My husband does not like it when my voice goes above this decibel because he thinks it's not fair and it's important to be kind even when you're unhappy. तो तभी कई लोगों ने ये सवाल उठाया था कि क्यों रणबीर ऐसा कर रहा है आलिया के साथ। तो अभी ये रीसेंट वाले इंटरव्यू में ना the reason got very clear कि रणबीर को ये चीज बॉदर क्यों करती है। She for example used to speak in a very loud tone. And I think because of my father's tone growing up always kind of rattled. So she really made efforts to kind of change that. And देखा जाए ना, एक्चुअली ये पूरा इंटरव्यू काफी अच्छा था। एक अलग साइड रणबीर का देखने मिला। ऑलमोस्ट पूरे 2 घंटे का ये इंटरव्यू था एंड मेजोरिटी पार्ट ये कॉन्वर्सेशन का मजेदार था, बट ऐसे भी कुछ पार्ट्स थे ये कॉन्वर्सेशन के जिसकी वजह से ना थोड़ा रणबीर को हेट मिलने लगा। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वो जो कैसोना हुई इमेज के बारे में रणबीर ने बात किया, जहाँ पे रणबीर ये बोलते हुए दिखाई दिया दैट उसका एक इमेज ऑडियंस ने बना दिया है कि वो एक कैसोनोवा है, प्लेबॉय है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स ना एक्चुअल में ट्रू नहीं है। यहाँ पे ऑडियंस पे ब्लेम डालना ना सही नहीं था। रीजन बीइंग ये जो इमेज बना है रणबीर का वो मोस्टली सोनम एंड दीपिका के कॉफी विद करण के सेशन के बाद हुआ था, जहाँ पे वो काफी ज्यादा रणबीर का मजाक उड़ा रहे थे। इनडायरेक्टली उन्होंने उसको चीटर बुलाया, उसे एक प्रोटेक्शन ब्रांड एंडोर्स करना चाहिए, ऐसा दीपिका का कहना था। तो वहां से ये नरेशन शुरू हुआ था। चलो दीपिका एंड सोनम के केस में दोनों ने रणबीर को डेट किया था तो उनको कुछ इश्यूज होंगे उससे एंड उन्होंने उस पे ब्लेम डाला, बट कहीं ना कहीं खुद रणबीर के डैड ने भी कई इंटरव्यूज में ऐसा पोर्ट्रे किया है कि उनके बेटे की कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो ये जो इमेज है ना उनकी, वो उनके क्लोज्ड वंस नहीं बनाई है। No, I don't have any problems with his girlfriends. He always brought his girlfriends home. खुद रणबीर ने भी ना ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे ये कंक्लूजन बनाया गया कि उसने कई लोगों पे चीट किया है। ये एक आर्टिकल का हेडलाइन आप देख लो, थ्रोबैक व्हेन रणबीर कपूर यूज्ड दिस फोन ट्रिक टू अवॉइड गेटिंग कॉट व्हेन डेटिंग मेनी वुमेन। तभी कुछ साल बाद ऑडियंस पे डायरेक्टली ब्लेम डालना कि ये लोग मुझे हेट दे रहे हैं, अपना एक परसेप्शन बना के बैठ रहे हैं। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स ने, उनके डैड ने, उन्होंने खुद ने इमेज उनकी बनाई है। जब तक वो चॉकलेट बॉय वाली इमेज उनके लिए वर्क कर रही थी ना, दे वर हैप्पी विद दैट टैग। बट अभी क्योंकि एक सीरियस टाइप वाली इमेज उन्हें पोर्ट्रे करनी है तो ये सबसे अभी दिक्कत हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ लोग रणबीर को अभी भी प्रॉब्लमेटिक इसलिए समझते हैं बिकॉज एक फेज में ना उसका एक बैड एटीट्यूड देखने मिला था एंड नॉट जस्ट हिम, इवन उसके पेरेंट्स की तरफ से भी ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखने मिलता, जहाँ पे वो डिसरिस्पेक्टफुल वे से ना रणबीर के पार्टनर्स को ट्रीट कर चुके हैं। एंड जब रणबीर दीपिका को डेट कर रहा था उस वक्त भी उसके पेरेंट्स ये रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं कर रहे थे। उनके ब्रेकअप के बाद नीतू कपूर ने एक स्टेटमेंट भी दिया था जहाँ पे शी सेड कि अगर रणबीर एंड दीपिका का रिलेशनशिप परफेक्ट होता वो लोग ब्रेकअप ही नहीं करते। रणबीर वॉज प्रोबेबली नॉट हिमसेल्फ इन द रिलेशनशिप एंड जब रणबीर दीपिका को डेट कर रहा था वो टाइम पे वो काफी ज्यादा यंग था तो हो सकता है उस रिश्ते में ही मेस्ड अप। बट जब वो कटरीना के साथ भी था ना तब भी एक सिमिलर एटीट्यूड रणबीर का देखने मिला, इंटरव्यूज के दौरान अजीब वे से मजाक करना। देन ब्रेकअप के बाद 2017 में जब वो जग्गा जासूस के लिए इंटरव्यूज दे रहे थे उस वक्त भी ना कटरीना के साथ अजीब वे से बिहेव कर रहा था। एक पॉइंट के बाद कटरीना को ये चीज उसको बतानी भी पड़ी कि कहीं ना कहीं वो इंटरव्यूज में रूड हो रहा है, बट स्टिल ही केप्ट ऑन डूइंग थिंग्स दैट वर बॉर्डरलाइन डिसरिस्पेक्टफुल। सो मेनी टाइम्स यू वांट टू फेस द माइक दिस वे, नो डोंट वरी, सो मेनी टाइम्स आई हैव अंडरस्टूड के यू नो आई वोंट बी गुड एट इट, यू कॉल बैड एटीट्यूड, सो नोबडी, आई डोंट नो एनीबडी एल्स, बट आई विल डू अ बेटर जॉब देन यू। The songs of Edith and Mushkeel were really beautiful. Yeah, that and that's... Do you want to let me talk?
एंड कटरीना के केस में ये नहीं आप बोल सकते कि रणबीर तभी यंग था, इमैच्योर था. 2017 में उनका एज 35 इयर्स था एंड स्टिल ही वाज एक्टिंग लाइक दिस. इवन ऋषि कपूर भी इंटरव्यूज में ना कटरीना को डिसरिस्पेक्ट करते थे, उसके बारे में ऐसे बात करते हैं ऐसे वो मैटर नहीं करती. I went to his house when he was sharing a house with another girlfriend of his. Who, Katrina? I don't know her name. One which I know. She was also one of them. Katrina Kaif. So I'm not a bad actor anyway. So. नीतू कपूर भी कटरीना को पसंद नहीं करती थी एंड ये फैमिली का एटीट्यूड ऐसा लगता था जिफ ये लोग हाई क्लास लोग हैं एंड इस वजह से कटरीना उनके फैमिली में बिलोंग नहीं करती. देखो ऋषि कपूर और नीतू कपूर के ना ऑब्वियसली अपने बेटे के पार्टनर्स के बारे में ओपिनियंस होंगे जो वो उसके सामने रख सकते हैं, पर पब्लिकली इसको शेम करना इज नॉट कूल एंड कटरीना हैड टू फेस इट. एक्चुअल चेंज रणबीर कपूर में ना आलिया भट्ट को डेट करने के बाद देखने मिला एंड ऑब्वियसली जब कोई फादर बनता है उनकी फैमिली बड़ी होती है तो वो थोड़ा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वे से एक्ट करने लग जाते हैं. तो वही ट्रांजिशन ना रणबीर कपूर में भी देखने मिल रहा है. बट ये ट्रांजिशन के बाद भी ना रणबीर को हेट मिलता है बिकॉज आलिया भट्ट के बीच में जब इंटरव्यूज आ रहे थे जहाँ पे वो बोल रही थी कि जब भी वो लिपस्टिक लगाती है तो रणबीर से इसकी वाइप इट ऑफ क्योंकि उसे वो नहीं पसंद, तो ये चीज ऑडियंस को अजीब लगी. देन वो लाउड टोन वाला डिस्कशन, ये सारे स्टेटमेंट के बेसिस पे ना लोगों ने रणबीर को कंट्रोलिंग हस्बैंड, रेड फ्लैग का वगैरह टैग देना शुरू कर दिया. बट ये पॉइंट पे मेरा स्टांस थोड़ा अलग है. ये चीज पे पहले भी बात हुआ है कि इतना इजी नहीं होता लोगों को रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग के कैटेगरी में डालना. ऑब्वियसली जब दो पर्सन रिलेशनशिप में आते हैं दोनों के पर्सनालिटी में ना थोड़े चेंजेस देखने मिलते हैं एंड जस्ट बिकॉज कोई रिश्ते में आने के बाद चेंज हो रहा है दैट डजंट मीन कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल या एक बुरा ट्रेट है ये. इट इज देयर डिसीजन वेदर दे वॉन्ट टू चेंज और नॉट. ये पॉइंट पे जो रणबीर को हेट मिल रहा है ना दैट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड. एंड ऑल्सो एज आई सेड ये जो इंटरव्यू है ना वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का था, इसमें कई और चीजों के बारे में बात हुआ था. रणबीर का ऐसा एक साइड देखने मिला जहाँ पे वो अपने फियर्स एंड ट्रॉमास के बारे में बात कर रहा था. बट जब भी आलिया भट्ट एंड उसके रिश्ते के बारे में ही स्पोक तब हर बार कहीं ना कहीं यही स्टेटमेंट सुनने मिले दैट आलिया हैज चेंज्ड अ लॉट फॉर हिम बट उसने उतना चेंजेस नहीं किया है खुद में. आलिया कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालती हुई दिखाई दे रही है. Everything I complained about or she complained about, I think she made better efforts than I have. She changed more for me than I have changed for her. जिस वजह से कमेंट्स में लोगों का रिएक्शन आया सेइंग दैट थेरेपी कैन नेवर हेल्प मेन लाइक हिम, आलिया वाज बेटर ऑफ विदाउट हिम, शी हैज चेंज्ड सो मच एंड इट इज नॉट इन अ गुड वे, हर एंटायर ऑरा हैज गॉन डाउन, आलिया हैज टू वॉक ऑन एक्शंस कॉज ही हैज पैरेंटल ड्रामा, नॉट फेयर ऑन हर, आर टफ फॉर हिम टू, आलिया इज स्वीट हार्ट, डोंट नो व्हाई शी मैरिड दिस गाय, दो आई हेट हर लाउडनेस टू बट दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स एंड दैट वुमन वॉज ओके विद अ मैन बीइंग इरिटेटेड बाय हर बेसिक पर्सनैलिटी and still went on and married him. Don't be so desperate. He could tolerate his loud father but not his loud wife. तो ये point पे feel कि रणबीर आलिया की सिर्फ बात ना करते हुए general sense में अगर बात करें तो आपको ना ये कई बार देखने मिलेगा. ऐसे equations, ऐसे love stories होंगे ही आस पास आपके जिसमें एक person ना हमेशा giver रहता है and दूसरा receiver. एक person को ज्यादा प्यार रहेगा दूसरे से, दूसरे की तरफ से भी feelings रहेगी but same level पे नहीं. परफेक्ट रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना वो काफी कम देखने मिलते हैं जहाँ पे दोनों पार्टनर्स ना सेम एफर्ट्स या सेम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं. तो सिमिलर केस रणबीर आलिया का भी है. आलिया फेल फॉर हिम फर्स्ट, बहुत पहले से ही वो बोल रही है दैट रणबीर कपूर उसका क्रश है एंड 2018 में जब ब्रह्मास्त्र का शूटिंग शुरू हुआ था तब से उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया. काफी क्विकली उनका बॉन्ड बना एंड रणबीर भी ऑब्वियसली आलिया से प्यार करता होगा बट आलिया भट्ट उससे ज्यादा करती है और इतने सारे इंटरव्यूज इनके देखने के बाद वो एविडेंट भी हो गया है. कुछ लोगों के लिए ना ये इक्वेशन ऑफ पुटिंग होगा, नो डाउट इन दैट, क्योंकि सबका अपना एक टाइप होता है, अपना चॉइस होता है. कुछ लोग ये सब टॉलरेट नहीं करते बट दैट डजंट मीन कि ऐसे रिलेशनशिप्स ना एग्जिस्ट नहीं करते. इफ आलिया एंड रणबीर आर हैप्पी एंड दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग देन वी कांट जस्ट हेट हिम फॉर हिज पर्सनालिटी बिकॉज एटलीस्ट एक क्लैरिटी है उसके थॉट में. अभी कटरीना का केस कंसिडर करो, रणबीर के सर्टन बिहेवियर को उसने कभी भी टॉलरेट नहीं किया पब्लिकली. वेराज दीपिका एंड रणबीर का रिलेशनशिप काफी अलग था, वहाँ पे सर्टन क्लिप्स आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे रणबीर ना पब्लिकली बिल्कुल भी उतना अफेक्शन नहीं दिखाता था बट दीपिका दिखाती थी एंड मे बी शी वॉज ओके विद दैट बिहेवियर ऑफ रणबीर. तो दैट इज द पॉइंट, सबका चॉइस अलग रहता है. आज के वक्त में हुआ क्या है ना कि बुक्स में वगैरह जो परफेक्ट मैन का डेफिनेशन देखने मिलता है वो डेफिनेशन वो रूल्स ना सोशल मीडिया पे लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है. अगर कोई उसमें फिट नहीं बैठता या उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग दिखती है तो उसको रेड फ्लैग का टैग दिया जाता है. But this is not at all fair. सबके childhood traumas अलग होते हैं. किसका बचपन अगर healthy environment में हुआ है तो maybe ये सारी चीजों से वो relate ना कर पाए. But that doesn't mean a troubled man or woman who is trying to heal and break that toxic chain is a red flag. It doesn't work like that. Humans are complex and love is more complex. एक quote मैंने recently पढ़ा था. Nobody apologized for how they treated me. They just blamed me for how I reacted.
हाँ, कुछ पॉइंट्स रणबीर के ना इंटरव्यूज में गलत थे, बट ऐसे भी पार्ट्स थे वो इंटरव्यू में विच वेर एक्चुअली इम्प्रेसिव. सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि रणबीर कपूर के रीसेंट इंटरव्यू के बारे में आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट टू अनफॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.